हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनदीप पहल, विलेज चढ़ाओ, डिस्ट्रिक्ट करनाल। आज एक विषय है ना जो किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। जैसे ही फसल कटती है ना, फसल कटने के बाद, धान की फसल कटने के बाद जो उसका अवशेष है, जो धान की पराली है, उसको खेत में ही मिलाना एक किसानों के लिए समस्या हो गई है। किसान भी आसान तरीका ढूंढ रहा है भाई, इसको आग लगाएं और इससे पीछा छुड़वाएं, और सरकार आग नहीं लगाने दे रही। सरकार के लिए भी सिरदर्दी बनी हुई है। पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था 26 तारीख को, आज मैं अपना दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। हमने क्या किया, इसमें एक 200 लीटर का वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, रूटावेटर से है ना, इसमें पाड़ पाड़ कर रहे हैं, यानी एक बार रूटावेटर चला रहे। ये देखो, और ये अवशेष है ना बिल्कुल खत्म हो गए। 10 से 15 दिन में ना ये इसमें डिकम्पोज हो जाए। पैडलिंग कर दी रूटावेटर से, जैसे पाड़े काटते हैं ना धान लगाने से पहले, वैसे ही। और इसका एक बार रूटावेटर चलाने का खर्चा 1000 से 1200 रुपए है, और इसमें वेट डिकम्पोजर का स्प्रे 70 रुपए है। एक वीडियो पहले डाला था, और एक ये वीडियो ये, और एक और देखो, ये जो हमारे मित्र पक्षी है ना बुगले, खेत में भरमा रहे हैं, आप गिन नहीं सकते भाई, 500 हैं, 1000 हैं, कितने हैं। ये देखो, बहुत बढ़िया खेत हो रहा है, इससे कोई वो नहीं। किसान घबराए ना, गेहूँ बिजाई के लिए अभी आज क्या है, 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर है, और नवंबर के 15 तारीख तक गेहूँ के लेट अर्ली वराइटी में कोई लेट नहीं है, इससे खेत बहुत बढ़िया तैयार हो रहे हैं। पाड़ पाड़ में ही खेत में जो भी अवशेष थे ना, वो सारे मिल गए। मित्र कीट, मित्र पक्षी देखो आप, बहुत बढ़िया खेत तैयार हो रहा है। बस बहाना मला लेते हैं किसान भाई, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। कोई लेट की कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास, अभी भी 20 दिन 25 दिन पड़े हैं गेहूँ की बिजाई के लिए। आप इसको समस्या ना बढ़ाओ, इसका हल निकाल लो। और यह हल है, पहले मैंने वीडियो डाला था, पहले एरो से पाड़ पाड़ की थी जब भी खेत बहुत बढ़िया तैयार होया था, और अब दूसरे खेतों में जिनमें ज़्यादा पराली थी उनमें मैं रूटावेटर से पैडलिंग करा रहा हूं। जिन भाइयों के पास अपना ट्रैक्टर है और रूटावेटर है, उनका तो 400-500 रुपये का ही खर्चा है पर किले का, ये तो किराए पर कराना पड़ रहा है, तो इसलिए 1000-1200 रुपये लग रहे हैं पर किले के। एक किले में 1.25 घंटा लगता है। ये मैं पास जाके दिखाता हूँ, मित्र पक्षी है ना, जो पास जाके दिखाता हूँ, खेत में कोई कमी नहीं। देखो बिल्कुल अवशेष अंदर ही मिल गया मिट्टी में, जैसे मिट्टी लगेगी डीकम्पोजर ने भी काम करना, और जब मिट्टी में बैक्टीरिया उसने भी काम करना। ये दिखा रहा हूँ आपको, मित्र पक्षी दिखाऊंगा, ये देखो, अनगिनत है, अनगिनत, जिनकी कोई आज से पहले जैसे बैक्टीरिया यूज करने पर लग
लगे हुए हैं, तो इससे पहले इतने नहीं देखे गए। जो आपसे ऐसा मिला रहे हैं खेतों में, इससे हमें जो नीचे कोई भी रासायनिक खाद डाल रहे हैं या दूसरी डीकम्पोजर डाल रहे हैं या दूसरे खाद डाल रहे हैं जैविक, बहुत कम हो जाएगी उनकी। ये देखो, जो आज से पहले देखने को नहीं मिले। अलग अलग प्रकार के हैं ना जो पक्षी हैं इसमें। समस्या दूर, सरकार की भी समस्या दूर होगी और किसानों की भी समस्या दूर होगी। ये देखो पक्षी, देखो आप जो हम वेस्ट डीकम्पोजर चला रहे हैं उसकी वजह से इसमें इतना केचुआ और अन्य मित्र कीट हैं, किनको भरपूर मात्रा में खाने को मिल रहा है, तभी तो आ रहे हैं। खाने को नहीं मिलेगा रासायनिक दवाइयों की वजह से तो ये क्यों आएंगे। इनको वातावरण है ना, इनके जो कुदरती वातावरण है वो मिल रहा है इनको। ये देखो इस टाइम भी है 400 से 500 ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देखो खेत कंपोज हो जाएगा, ये तो आपको 15 दिन बाद इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर है, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा हमारे खेतों का। तो बाहर से लेके हमने कुछ आना नहीं, खेत में ही हमें खाद मिल गया और डीकम्पोजर साथ में चलता रहेगा। गेहूँ की फसल बढ़िया, आलू की फसल बढ़िया, जो भी फसल लगाओगे सरसों की बिजाई बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 साल हो गए खेतों में आग लगाए, कोशिश करते हैं, कोशिश करने से तो हल मिल जाएगा कोई ना कोई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हल तो किसान को ही ढूंढना पड़ेगा, ना ज्यादा महंगे मल्चर खरीदने की जरूरत है, ना कोई अलग से कोई मशीन खरीदने की जरूरत है। जो किसान के पास है ना उसी से काम चल जाएगा, कोई भी बाहर से महंगी महंगी मशीनें सब्सिडी के चक्कर में चक्कर काटते रहते हैं, इस मशीन पे सब्सिडी उस मशीन पे सब्सिडी, कोई सब्सिडी लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये एक बार की 22 में ही ऐसा हो गया, तो डबल में तो इसमें पता ही चलेगा कहाँ गया। जिधर भी ट्रैक्टर जा रहा है उसके पीछे पीछे ये बुगले हैं, बुगले रखो, ये ट्रैक्टर चल रहा है और ये बुगले चल रहे पीछे। ट्रैक्टर को कहीं जा दो इतने हो जाते हैं कि ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर बंद ही करना पड़ता है भाई, कभी कोई नीचे आ जाए। ये देखो जी, और ये देखो वेस्ट डीकम्पोजर का यूज करने के बाद भी फसल APR 40 है, कोई वो नहीं है, कोई गिरी नहीं है।
कितने मौसम के मार झेल ली इसने। जड़ें इतनी मजबूत होगी कि हमें मौसम की मार झेलने की शक्ति मिल गई। जड़ों का फलावट है ना, जो जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, इससे तना मजबूत बना रहता है और फसल मौसम का जो प्राकृतिक आपदा है ना उसको झेलने की शक्ति मिल जाती है। ये लो जी, ये ना कुछ बाहर से लाना ना कुछ, खेत के अवशेष खेत में ही मिला दिए। खेत में तो सुधार होना ही है, कोशिश करो सब कुछ होएगा, इससे डर के भागो मत। जितना ये भागोगे उतनी बड़ी समस्या नजर आएगी। भागना नहीं है किसान को, इससे किसान भाइयों धन्यवाद। इसके बाद जो 10 दिन बाद या 15 दिन जब बाद जैसे ही बत्तर आएगा, मैं इसकी जो भी स्थिति होगी ना उसका एक वीडियो और बना के डालूंगा, ठीक है। और कोई कमी हो तो मेरे को बताना, फिर मैं इसमें सुधार करूंगा। डीकंपोजर का यूज करो किसानों, बचना है तो यही है जो प्रोडक्ट है ना, जो राष्ट्रीय जैविक ठीक केंद्र गाजियाबाद ने बनाया ना, यही हमें बचा सकता है। और ये कंपनी वाले नहीं बचाएंगे, जो प्राइवेट कंपनी वाले केमिकल वाले पेस्टिसाइड वाले, ये कोई नहीं बचाएगा। जो दुगनी आमदनी का जो लक्ष्य है ना, ये ही पार लगाएगा किसानों को, और कोई नहीं लगा सकता। डर के मत भागो और इसका हल निकाल लो। हल तो निकल गया, निकाल दिया। इतनी भारी समस्या नहीं है जो समस्या बना रखी है। जब भी धान या गेहूँ की फसल कटती है उसी टाइम सरकार अलर्ट हो जाती है, धारा 144 लगा देती है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया हुआ है और एक अपराध की उसमें आते हैं गिनती में, अपराध की गिनती में आते हैं, ठीक है। अपराध ना करो, अपनी जमीन है इसको बचाओ, ये बची रहेगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी फैक्ट्री जैसे फैक्ट्री वो देते हैं ना रोजगार, ये भी रोजगार देती रहेगी, इसकी से भागो में। ओके, धन्यवाद।